छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने धर्मशाला में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो स्नातक के 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया है उसमें विभिन्न विषयों में 90% विद्यार्थी फेल कर दिए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने धर्मशाला में मीडिया से मुखातिब होते हुए इसको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो स्नातक के 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया है उसमें विभिन्न विषयों में 90% विद्यार्थी फेल कर दिए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। राहुल राणा ने बीवी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की लापरवाही के कारण बीवी का स्तर गिर रहा है। राहुल ने बताया कि विज्ञान संख्याएं के जियोलॉजी और केमिस्ट्री में पेपर 50 नंबर का हुआ था, जबकि इंटरनेट पर 70 नंबर में से अंक दर्शाए गए हैं। राहुल ने कहा कि प्रशासन के इन खामियों से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि परिषद बीवी से मांग करती है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द खामियों को दूर किया जाए, साथ ही घोषित परीक्षा परिणामों की गड़बड़ी को ठीक करते हुए पेपरों का निशुल्क पूर्ण मूल्यांकन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर प्रदेश के सभी इकाइयां बुधवार 8 मई को प्रदेश के सभी कॉलेजों में धरना प्रदर्शन करेंगी और बीवी इकाई परीक्षा नियंत्रक का घेराव करेगी। प्रांत मंत्री ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द छात्र हित में परीक्षा परिणाम को ठीक नहीं किया तो एबीवीपी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो पिछले 2-3 दिन पहले परिणाम घोषित हुए हैं यूजी के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, इसमें परिणामों में जो गड़बड़ियां हैं इसको लेकर ही जो है विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है वो 50 नंबर के पेपर देने के बावजूद भी रिजल्ट उनका 20 का आ रहा है और कई जगह 90% जो है बच्चे फेल हो रहे हैं, योग्य व्यक्ति भी फेल हो रहे हैं, जहां अन्य सब्जेक्ट्स में उनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश के इस विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली पर जो है वो सवालिया निशान खड़ा होता है। इसको लेकर जो है विद्यार्थी परिषद ने जो है रिवैल्यूएशन की मांग, पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जो है विद्यार्थी परिषद जो है आगे आने वाले समय में बुधवार के दिन जो है पूरे प्रदेश में जो है वो धरना प्रदर्शन करेगी और विद्यार्थी परिषद की इस मांग को अगर पूरा नहीं माना जाता तो पूरे प्रदेश में जो है उग्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद जो है इस प्रदेश के विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खड़ा करेगी। साथ ही बुधवार के दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा जो है वो परीक्षा नियंत्रक का घेराव भी इसी मांग को लेकर जो है किया जाएगा।